हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। तो देखो, मीडियन करने के लिए आपको मीडियन के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले की बात करें तो मीडियन का हमारा जो फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यह हमारा फॉर्मूला है मीडियन का, जिसमें L हमारी लोअर लिमिट है, L होता है लोअर लिमिट, N है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एच होता है क्लास साइज और एफ वही फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। इसको यूज कैसे करना है देखो। सबसे पहले अगर आपको ये चीज तो किसी भी क्वेश्चन में दी होगी, अब आपको निकालना है सी एफ निकालना है आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है देखो। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो CF में लिख दो। जैसे यहां 6 है तो यहां भी 6 लिख दो। अब अगले वाले से इसको प्लस करते जाओ। जैसे 6 है, 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 32 तो 8 और 2 10, 1 2 3 और 3 6, 60 और 22 तो 82 हो जाएगा, 82 और 18 100 हो जाएगा, 100 और 15 115, फिर 5 करोगे तो 120, फिर 124 और फिर 127। ये हमारा आ जाएगा CF। ठीक है, CF कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू होती है ये आपका N होता है। जो लास्ट वाली वैल्यू आपकी आती है वो आपका होता है N। हमें इसमें N by 2 कैलकुलेट करना होता है, इसका हाफ निकालना होगा। तो 127 का आप हाफ कर दो तो हो जाएगा 63.5। ठीक है, 63.5 ये हमारा n का हाफ आ गया। अब हमें देखो, जो भी n का हाफ आया है हमें CF में उससे पहली बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। अगर मेरा n by 2 63.5 आया तो मैं CF में इससे पहली बड़ी वैल्यू ढूंढूंगा। जैसे इससे पहली बड़ी वैल्यू तो 82 जो है वो सबसे पहला नंबर है जो इससे बड़ा है। जो भी हमारी वैल्यू होगी वही हमारा जो होगा वो मीडियन क्लास बन जाएगा। क्लियर? जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा। मीडियन क्लास बनते ही यहां पर हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। एफ की वैल्यू हमें मिल गई 22। इसी क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी 40। एच आपका वही क्लास साइज है, 10-10 का गैप है तो एच आपका 10 रहेगा। सी एफ देखो, जो भी हमारा मीडियन क्लास होता है सी एफ हमारा उसका ऊपर वाला वैल्यू होती है। अगर यहां पर हमारे पास ये वाला मीडियन क्लास है तो CF इसके ऊपर वाला लेना है तो CF हमारा 60 होगा। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू हमारे पास है 40, एन बाई टू हमारा आया था 63.5, माइनस सी एफ हमारा आया है 60, एफ हमारा है 22, एच की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, 40 प्लस 63.5 में से 60 गया तो 3.5 बच जाएगा। यहां पे नहीं, मैं इससे काट दे रहा हूं, नहीं रहने दो, मत काटो। 10 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हटेगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर आ जाएगा 40 प्लस 35 बाई 22, ये आ रहा है ना। तो अब ये इजी पड़ जाएगा, बस हमें 35 को 22 से डिवाइड करना है। तो 22 वन जा 22, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 6 से कर देते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 वन 13, बड़ा जाएगा 5 से कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 2 जा 10 0 1, 5 2 जा 10 1 11, बस 2 पॉइंट तक, 1 पॉइंट तक बहुत है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 40 प्लस 1.5, इसको डिवाइड करके मेरा आंसर आया 1.5, इसको प्लस करके आ जाएगा 41.5। ठीक है, तो जो ये हमारी वैल्यू आएगी यही हमारा मीडियन जो है वो फाइनल होगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का मीडियन निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और किस तरीके से कैलकुलेट होगा यह भी आपको मैंने सिखाई दिया है, ठीक है। इसमें अगर आपको एक बार क्वेश्चन खुद से करके देखना, ठीक है, वैसे तो इजी मेथड यही है और इसके अलावा कोई फॉर्मूला है भी नहीं, तो इसको समझ लेना चाहिए आपके, और आई होप कि सभी को समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।